तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं जो प्रोजेक्ट डेमो करने वाला हूँ आपके सामने, ये IoT बेस्ड ट्रैफिक कंजेशन सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि जिस भी साइड पे हमारी ट्रैफिक इंक्रीज होगी उस साइड का हमें ग्राफ दिख जाएगा IoT के ऊपर, सर्वर के ऊपर हम देख सकते हैं कि कौन सी साइड ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ है कि अगर आप घर से कहीं शहर जाना चाहते हैं या कहीं भी बाहर निकलना चाहते हैं तो आप लाइट्स का देख सकते हैं कि कौन सी साइड पे कितनी ट्रैफिक है, इस टाइम पे कौन सी लाइट्स पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको कौन सा रूट यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे हमने सेंसर यूज़ कर रखे हैं कि जब भी इन सेंसर का एक सेंसर होगा, 50 से 60 गाड़ियाँ होगी जब भी लाइट्स के ऊपर, तो एक सेंसर के आगे होंगी। अगर इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ट्रैफिक तो दूसरे सेंसर तक गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी, तो वो दोनों सेंसर को कवर कर लेंगी, तो उससे हमारा ट्रैफिक का हमें लग जाएगा पता कि हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हो चुका है। ये नॉर्मल लाइट्स लगा रखी हैं हमने, रेड येलो ग्रीन चारों तरफ की लाइट्स दिखाने के लिए। ये वाईफाई ESP8266 चिप है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करेगी प्रोजेक्ट की। तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो यूनो बोर्ड हमने यूज़ कर रखा है जिसके साथ हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट करे हुए हैं हमने। अडाप्टर से इसको पावर दे रखी है। तो अभी आप देख रहे हो कि नॉर्मल हमारी लाइट्स चल रही हैं, एक साइड ग्रीन है बाकी सारी रेड हैं, और इसी तरह से ये स्विच होती रहेंगी आगे, तो नेक्स्ट ग्रीन हो जाएंगी जिस तरह से आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट लाइट ग्रीन होगी और बाकी सारी रेड है। तो अभी आप देख सकते हो कि थिंगस्पीक के सर्वर के सारा ग्राफ हम देख रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हो कि स्टेबल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, ट्रैफिक बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है। अभी मैं एक सेंसर को किसी एक सेंसर को कवर कर लेता हूँ, मैंने एक सेंसर को कवर कर लिया है। अभी आप सर्वर के ऊपर देखेंगे कि ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि ट्रैफिक इंक्रीज हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ मूव कर गया है, मीन्स कि हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हो गया है। अब मैं दोनों सेंसर को कवर कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने दोनों सेंसर को कवर कर लिया तो ग्राफ हमारा इससे भी ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ बिल्कुल ऊपर चला गया है। अगर मैं दोनों सेंसर को खाली छोड़ देता हूँ, खुला छोड़ देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा अपलोडिंग के लिए टाइम लगता है, जैसे ही 15 सेकेंड का टाइम हमारा राउंड आउट लगता है डेटा को अपलोड होने के लिए। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा। अभी आप देख रहे हो ग्राफ बिल्कुल जीरो पे चला गया है। तो इस तरह से आप कहीं भी शहर के किसी भी कोने से किसी भी लाइट्स का जो भी स्टेटस है वो देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है और हमें कौन सा रूट यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू।